बूम गाइस, हमारी माइनक्राफ्ट 1.17 इजीली रन हो गई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता है कि माइनक्राफ्ट का 1.17 वर्जन रिलीज़ हो चुका है एंड इट इज़ अ वेरी हैवी वर्जन एंड इट रिक्वायर्स ओपन जी एल 3.2 टू रन ऑन योर पीसी। सो मोस्ट ऑफ पीपल को ये एरर आ रहा था कि वो अपने पीसी पे 1.17 वर्जन नहीं रन कर पा रहे थे, या तो उनका पीसी माइनक्राफ्ट को ही नहीं रन कर पा रहा था। तो मेरी पिछली ओपन जी एल वाली वीडियो में हम 1.15 तक तो गेम को रन कर सकते थे, लेकिन उससे आगे गेम नहीं रन होती थी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप 1.17 को इजीली अपने पीसी पर रन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में मैं जितनी भी लिंक्स का यूज़ कर रहा हूँ वो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टी लॉन्चर प्लस जावा वाली लिंक पर चला जाना है। हम अपने ब्राउज़र में चले जाते हैं। तो पहली लिंक खोलने पर आपको ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। इस फाइल को आपने डाउनलोड कर लेना है। इट्स अबाउट 52 MB, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। नेक्स्ट आपने JDK डाउनलोड कर लेना है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये फाइल अबाउट 161 MB की है, इस फाइल को भी आपने डाउनलोड कर लेना है। एंड ये फाइल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है, तो इसको आपने स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये है तो जावा ही, लेकिन ये जावा का एक ऐसा वर्जन है जो हमें माइनक्राफ्ट 1.17 रन करने में बहुत हेल्प करेगा। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करने वाला। उसके बाद हमने यहाँ से मैसा को डाउनलोड कर लेना है। ये बिल्कुल एक छोटी सी फाइल है, 2 से 3 MB की होगी, बहुत ईजिली डाउनलोड हो जाएगी। इसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है। जब ये फाइल्स आपके पास डाउनलोड हो जाएं तो जहाँ पे आपने इन्हें डाउनलोड किया वहाँ पर आ जाएं। सबसे पहले जो पहली फाइल टी लॉन्चर वाली थी उसे एक्सट्रैक्ट कर लें। सबसे पहले यहाँ से जावा रन टाइम को इंस्टॉल कर लें। जब आप जावा को ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा जिस पर आपने इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देना है। एंड देन बेसिकली ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, इट्स नथिंग बिग मच। जैसे ही जावा इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपने टी लॉन्चर को खोल लेना है। टी लॉन्चर खोलते ही आपको कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स देखने को मिल जाएगा जिस पर आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, देन अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखिए साइट पे हमारा जावा भी इंस्टॉल हो गया। अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करना है, देन अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपने TL अपडेट अवेलेबल को अनटिक कर देना है। देन अगेन आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड अगेन आपने कंप्लीट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपका टी लॉन्चर इंस्टॉल हो गया। यहाँ से ये आपके लिए लाइब्रेरीज वगैरह डाउनलोड करेगा जो कि इतना टाइम नहीं लेती, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। तो यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी डाउनलोड हो चुकी है। इन जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स हमारा टी लॉन्चर भी ओपन हो जाएगा। तो टी लॉन्चर ओपन होते ही सबसे पहले आपको ये डायलॉग बॉक्स शो होगा जिसमें आपने रिमाइंड मी लेटर पे क्लिक करना है। इसको किसी भी वजह से आपने अपडेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने अपडेट किया तो आपकी 1.17 नहीं चलने वाली। तो गाइस आपको बताता चलूं कि मैंने पहले ही टी लॉन्चर को इंस्टॉल कर रखा था और मैं इस मेथड को पहले ही चेक कर चुका हूं, तो मेरी 1.17 का वर्जन पहले ही डाउनलोड है। तो यहां पे मैं यूजर नेम वगैरह लिख देता हूं। देन गाइज यहाँ पे मैं जैसे ही इसको एंटर गेम पे क्लिक करूँगा तो ये कहता है कि आप लाइब्रेरीज को री डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे भी नो पे क्लिक कर देना है। तो गाइज जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको वर्चुअल मशीन लॉन्चर का एरर देखने को मिल जाएगा, जिसको कि मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि फिक्स किस तरह करना है। गाइज नेक्स्ट स्टेप पे आपने JDK को आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो गाइज जैसे ही आपके पास JDK एक्सट्रैक्ट हो जाए आपने इसको लेना है, कॉपी करना है, अपनी डिस्क स्पेस में आना है। यहाँ से आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम वाली डिस्क को सिलेक्ट करना है जो कि मोस्टली केस में सी होती है। देन आपने प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। अगर आपको यहाँ पे जावा का फोल्डर ना मिले देन आपने प्रोग्राम फाइल्स x86 में जाना है। यहाँ पे आपको जावा का फोल्डर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने JDK ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है, लेकिन मैं इसको दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे JDK पेस्ट हो चुका है। देखिए ये बिल्कुल जावा की तरह ही है, लेकिन ये कोई और ही वर्जन है जो कि हमारी हेल्प करेगा 1.17 को रन करने में। देन गाइज नेक्स्ट स्टेप आपने मैसा पे आ जाना है एंड मैसा को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मैसा के एक्सट्रैक्ट करते ही यहाँ पे आपको दो फाइल्स मिलेंगी, OpenGL एंड Readme की, जिसको आपने कॉपी करना है। JDK के अंदर आपने बिन में जाना है एंड बिन में इन सबको पेस्ट कर देना है। देखिए ये सब फाइल पेस्ट करने के बाद आपने अपने टी लॉन्चर में आना है, इसकी सेटिंग्स में जाना है। यहाँ से आपने जावा का पाथ सेलेक्ट करना है। जावा के पाथ में आपने जाना है कंप्यूटर में, सी डिस्क में, प्रोग्राम फाइल्स, जौन सा भी आपका है जिसमें जावा इंस्टॉल है, JDK, बिन। यहाँ पे आपने जावा W, याद रहे java.exe नहीं java.w.exe को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेटिंग्स को सेव कर लेना है। देन आपने एंटर गेम पे क्लिक करना है एंड बूम, एरर फिर से आ गया। डोंट वरी,
आगे हमारे कुछ स्टेप्स बाकी हैं जिनको हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिस्क्रिप्शन में आ जाना है। यहाँ पे आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें से टी लॉन्चर वाला आर्ग्यूमेंट आपने कॉपी करना है एंड देन आपने इसकी सेटिंग्स में जाना है एंड यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट्स वाले सेक्शन में इसको पेस्ट कर देना है, देन इसको सेव कर देना है। लेकिन उसके बाद भी आपकी माइनक्राफ्ट रन नहीं होगी क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट और रहता है जो आपने कहीं पर पेस्ट करना है। तो लेट्स सी कि वो आर्ग्यूमेंट किधर पेस्ट करना है। हम कंट्रोल पैनल में चले जाते हैं। जावा है, आपने उसको ओपन कर लेना है। याद रहे आपने अपडेट नहीं करना इस जावा को किसी भी सूरत। देन आपने फिर डिस्क्रिप्शन में आ जाना है। यहाँ पे जावा आर्ग्यूमेंट को लेना है, इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ से आपने जावा वाले टैब में आना है और यहाँ व्यू पे क्लिक करना है। रन टाइम पैरामीटर्स में इस आर्ग्यूमेंट को पेस्ट कर देना है। देन ओके पे क्लिक करना है एंड देन अप्लाई पे क्लिक करना है एंड देन अगेन ओके पे क्लिक करना है एंड देन आपने अगेन एंटर द गेम पे क्लिक करना है। बूम गाइस, हमारी माइनक्राफ्ट 1.17 इजीली रन हो गई है। एंड जो लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें लैग आएगा और हम इसके लिए ऑप्टिफाइन यूज़ कर लेंगे, तो मैं बताता चलूँ इस मेथड के साथ ऑप्टिफाइन बिल्कुल वर्क नहीं करता। तो इसकी लैग फिक्स के लिए मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा जो कि आपको बहुत सून देखने को मिल जाएगी। सो अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये देख सकते हैं, मैं आपको छोटा मोटा गेम प्ले दिखा देता हूँ। ये मैंने पहले ही वर्ल्ड बना के रखा था, जैसे मैंने कहा है कि मैंने इस मेथड को पहले टेस्ट किया था। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं वर्ल्ड तो लोड हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा लैग है। लेकिन अगर आप इस लैग को फिक्स करना चाहते हैं तो स्टे ट्यून टू द चैनल, आपको उसकी भी एक वीडियो लाजमी देखने को मिलेगी। सो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको ये मेथड पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।